मेरा नाम आरजू है और मैं शिराजी गर्ल गवर्नमेंट हाई स्कूल में पढ़ती हूँ। मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ और मैं 6ठा में रहती हूँ। अच्छा, तो अभी आप स्कूल क्यों नहीं जा रही? क्योंकि हमारे स्कूल में बहुत गंद हो रहा है, बहुत पानी है, बहुत ऐसे बिखरा हुआ है सारा स्कूल। ऐसे बरसात के मौसम में जो अभी खबरें आ रही हैं, जो सब आ रहा है, इसी वजह से हम लोग स्कूल नहीं जा रहे। बहुत गंद है वहाँ पे, तो इस गंदगी से हम लोग नहीं जा रहे हैं। कितने दिन हो गए आपको? तो 2 महीने हो गए, 2-3। अभी आप कहाँ पढ़ रहे हैं? फिर पढ़ रहे नहीं हैं अभी हम लोग। हमें बहुत वो लग रहा है, अजीब लग रहा है, हम स्कूल नहीं जा रहे हैं, हमारी पढ़ाई खराब हो रही है। तो इसी वजह से हम चाहते हैं हमारा स्कूल फिर से खुले, फिर से पढ़ाई हो ना है। आपकी क्लास बतानी है? मेरा नाम अनिला है, मैं हाई स्कूल गर्ल हाई स्कूल गवर्नमेंट प्राइमरी में पढ़ती हूँ। और मैं 2 महीने हो रहे हैं और 15 दिन हो गए हैं, बारिशें हो रही हैं, बारिश का पानी स्कूल से नहीं निकाला गया, इसलिए हमारी जो पढ़ाई है वो डिस्टर्ब हो रही है। और हमारी आपसे ये गुजारिश है कि जल्द से जल्द स्कूल से पानी निकालें और हमारी जो पढ़ाई है हम लोग शुरू करें। मेरा नाम फराह है, मैं गवर्नमेंट गर्ल हाई स्कूल में पढ़ती हूँ। और आप स्कूल क्यों नहीं जा रही? हमारे स्कूल में बहुत गंद है, क्लासों में बहुत मच्छर आ गए, बहुत बीमारियां फैल रही हैं हमारे स्कूल में, और इसलिए बारिशों का पानी भी बहुत जमा हुआ है, इसलिए हम स्कूल नहीं जा सकते। अच्छा, कितना पानी होगा आपके स्कूल के अंदर? बहुत ज़्यादा, पहले बारिशें पड़ी थी तब निकाला था, और अभी दोबारा बारिशें पड़ी हैं और अभी बहुत पानी हो गया, इसलिए हम स्कूल नहीं जा रहे हैं। वैसे मैं 7th क्लास में पढ़ एक मिनट बेटा, एक मेरा नाम मुकद्दस है, मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ। और हमारे स्कूल में बहुत पानी है और मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे स्कूल में से पानी निकलवाएं। आज आप घर बैठी हुई हैं, आज छुट्टी भी नहीं है, आपको स्कूल जाना था, आप स्कूल क्यों नहीं गई? क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है स्कूल में। कितना पानी होगा? कितना पानी होगा? 2 फुट तक। 2 फुट तक होगा? स्कूल में मच्छर हैं जी, बहुत ज़्यादा। जाने का दिल करता है जी, सब घर में बैठे बैठे बोर। हुकूमत से क्या कहेंगी आप? मैं कहती हूँ कि हमारे स्कूल में पानी निकलवाएं, हमारे स्कूल को सफाई करवाएं। मेरा नाम मारिया है, मैं 6th क्लास में पढ़ती हूँ। हमारे स्कूल में बहुत पानी है और हम इसलिए स्कूल नहीं जा पा रहे। स्कूल जाने का दिल करता है जी। तो अभी आप कहाँ पढ़ रही हैं? अभी घर पर। घर पर बैठी हुई हैं कि पढ़ रही हैं? सर पढ़ती हूँ। अच्छा, हुकूमत से क्या कहेंगी आप? मैं कहूँगी कि हमारे स्कूल से पानी निकालें, साफ कर दें, हम पढ़ाई अपनी करें। मैं इस स्कूल के SMC कमेटी का चेयरमैन हूँ और तकरीबन 10-15 दिन से यहाँ जो शदीद बारिशें हुई हैं और उसका पानी यहाँ पर ग्राउंड के अंदर और क्लासेस में जमा हो चुका है। और मैंने यहाँ पर जो मुतल्लिका TMO का अमला है उनको भी मैंने कहा कि जी ये जो पानी है क्लासेस के अंदर और ग्राउंड के अंदर पानी है, इसे निकाला जाए। और वहाँ पर उन्होंने एक रोज़ मशीन लगाई और पानी निकाला। उसके बाद फिर वो जो मुतल्लिका यहाँ के जो इंस्पेक्टर हैं वो वहाँ से मशीन उठा के किसी और जगह ले गए। तो उसके बाद फिर मैंने इनसे एक दो बार फिर भी मैंने रिक्वेस्ट की कि भाई आप यहाँ पर मशीन लगाएं ताकि पानी निकले, क्योंकि पानी इतना ज़्यादा है कि वो मशीन के बिना निकल नहीं सकता है। तो जिसकी वजह से बच्चों की जो स्टडी है बड़ी डिस्टर्ब हो रही है। और मैंने DSO साहब के नॉलेज में भी ये बात डाली है और उन्होंने DDO जो सिटी हैं उन्होंने एक नोट्स लगा के लिखा था TMO को कि भाई इमिजिएटली इसकी ग्रेविसेंस दें मुझे और ताकि इसका जो पानी वानी निकाला जाए। तो मैंने उनसे कई बार मुतल्लिका TMO से भी कहा है लेकिन अभी तक पानी वहाँ पर है। अभी जो रिसेंटली जो बारिशें 2-4 रोज के अंदर हुई हैं और इतना पानी अंदर चला गया है कि मेरे ख्याल में क्लासेस के अंदर 1-1 या 2-2 फीट पानी है, क्योंकि जब तक ये पानी क्लियर नहीं होगा पानी निकलेगा नहीं, तो बच्चियाँ अपनी स्टडी वहाँ नहीं कर सकती और गंदगी भी है और शदीद बारिश की वजह से यहाँ और कीचड़ है और मच्छर बहुत ज़्यादा हैं। और मैंने वहाँ पर कई बार विज़िट भी किया है और मैंने मुतल्लिका अफसरान से भी कहा है, EDO साहब से भी हमने कहा है और काफ़ी लोगों को हमने कहा है कि भाई इसका पानी जो निकाला जाए, लेकिन अभी तक उस पर कोई वो कारगर एक्शन नहीं लिया गया है। तो मेरी DSO साहब से और मुतल्लिका TMO साहब से गुजारिश है कि वो यहाँ का फौरी तौर पर पानी निकालें
और इसको साफ करके और ताकि बच्चियों की यहाँ स्टडी हो सके। माय नेम इज़ मदिया जॉयसंधु और मैं इसको हम अपने स्कूल की तरफ से बात करना चाहती हूँ कि हमारे स्कूल में इतना पानी खड़ा हुआ है कि हम स्कूल भी जा नहीं सकते और दरवाजे के बाहर भी इतना पानी है कि हम दरवाजे देखते हैं और क्लासों तक पानी इतना जमा हुआ है कि हम स्कूल जाने के हम देख भी नहीं सकते कि हम जाएं तो करें तो क्या करें। मेरी गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त है कि प्लीज़ हमारे स्कूल में से पानी निकवालें और बच्चे बहुत पर डिस्टर्ब हो रहे हैं कि हमारे स्कूल में बहुत पानी है। प्लीज़ प्लीज़ हेल्प टू मी, हमारे स्कूल के बच्चे जो डिस्टर्ब हो रहे पढ़ाई के लिए, उनकी पढ़ाई इस जनरेशन में तो बहुत ज़रूरी है। इस जनरेशन में हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो हमारे फ्यूचर के बारे में बहुत डिस्टर्बिंग होगी। प्लीज़ आप हमारी हेल्प करें और हमें पूरा यकीन है कि आप हमारी हेल्प करेंगे और प्लीज़ प्लीज़ हेल्प मी। और मुझे पता है कि हमारे स्कूल के जो बिल्डिंग्स में वो भी बहुत ख़राब होने वाली है। प्लीज़ मैं गवर्नमेंट से दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि हमारी गवर्नमेंट है वो हमें स्कूल नया बना कर दे और हमारे स्कूल से पानी निकाले और स्कूल बच्चे स्कूल जा सके। हमारे स्कूल में बच्चे नहीं जाएंगे तो हमारे स्कूल में बहुत परेशानी और बच्चे पढ़ नहीं सकेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच। माय नेम इज़ जेस जॉन एंड आई रीड इन क्लास 9 एंड आवर स्कूल कंडीशन इज़ वेरी बैड। वी आर सेड टू द गवर्नमेंट प्लीज़ clean our schools, but they are not take the action for this appeal. But our madam say to them, but they are not any action take to them. And I want to say our new generation is the best, because if they are not read, then they are not success in his future. They must change our school and they must change our building. Sometimes their buildings is not good and his classes condition is very bad. So much I want to say, and I want to say our government condition is very, our school's condition is very bad. In the gate of out, there is also water. In the surround, there is also dirty. So that's how we can go and read to there. Our teachers is also problem there. Our study is also disturbed. So that's why I want to say to government, please help to our